मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों आप लोगों में से बहुतों ने सदुर कबीर की उलटवासियां सुनी होगी उलटवासी उल्टी बात वैसे उलटवासी का अर्थ होता है उलटवासी उल्टे के समान जो सुनने में उल्टे के समान लगे उल्टा तो ना हो लेकिन उल्टे के समान लगे जैसे कोई आदमी किसी को सर्दी जुकाम हो गया हो खांसी हो गई हो और खाँसी सर्दी जुकाम में वो आदमी दही खा रहा हो तो किसी ने कहा हाँ हाँ हा, खा खूब दही खाओ दही तो जुकाम में बहुत फायदा करता है तो उल्टा ही सीधा है वो व्यंग व्यंग में कर रहा है तो ऐसे ही साहब की बात कुछ उलटवासियां है बहुत उलटवासियां हैं एक उलटवासी आप लोगों ने सुनी होगी ये ये उलटवासी लेकिन अर्थ समझेंगे कि साहब क्या कहते हैं आज हम उलटवासी पर चर्चा करते हैं सीधी बात बहुत कही जाती है सदगुरु का पद है गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना पहली नियामत आटा लाना गांव नगर के पास न जाना कूटा पीसा बचाए के चेला झोली भर करके लाना दूसरी नियामत जल भर लाना कुआं बावली के पास न जाना नदी नाला बचाए के चेला तुम्बा भरकर लाना तीसरी नियामत कलियां लाना जीव जंतु के पास न जाना जिंदा मुर्दा बचाए के चेला हंडी भर कर लाना चौथी नियामत लकड़ी लाना झाड़ जंगल के पास न जाना सूखा गीला बचाए के चेला गठरी बांध कर लाना कहत कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्बाना जो यह पद को अर्थ लगावे सोई संस सुजाना गुरु चेला को भेज रहे हैं क्यों भेज रहे हैं नियामत लाने के लिए नियामत का शुद्ध शब्द है नेमत और नेमत अरबी उर्दू का शब्द है जिसके मुख्य दो अर्थ होते हैं पहला अर्थ है ईश्वरीय देन सौगात और दूसरा अर्थ है उत्तम स्वादिष्ट भोजन गुरु शिष्य को भेज रहे हैं कि बेटा भूख लगी है भोजन बनाना है जाओ भोजन की सामग्री मांग करके लाओ पहली नियामत आटा लाना भोजन बनाने के लिए आटे की आवश्यकता है तो आटा लाना लेकिन ध्यान रखना किसी गांव में किसी नगर में किसी बस्ती में तुम्हें नहीं जाना है कूटा भी ना हो पीसा भी ना हो झोली भर करके लाना है भोजन बनाने के लिए जल पानी की आवश्यकता होती है गुरु कहते हैं बेटा जाओ पानी लाओ लेकिन कुआ बावली के पास मत जाना नदी नाला तालाब में भी मत जाना लेकिन 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 तुम्बा भर करके लाना तो कहाँ जाएगा तीसरी नियामत कलियाँ लाना कलियाँ कहते हैं पकाए हुए रसेदार मांस को लेकिन कहते हैं कलियाँ तो लाना है मांस तो लाना है लेकिन किसी जीव जंतु के पास नहीं जाना है जिंदा के पास भी नहीं जाना है मुर्दा के पास भी नहीं जाना है लेकिन हंडी भर करके लाना है तो कहाँ से तो लाएगा आटा भी आ गया पानी भी आ गया मांस भी आ गया अब कहते हैं पकाने के लिए लकड़ी चाहिए तो गुरु कहते बेटा जाओ लकड़ी लाओ लेकिन किसी झाड़ के पास जंगल के पास पेड़ के पास मत जाना लकड़ी गीली भी ना हो सूखी भी ना हो लेकिन गठरी बांध कर लाना तो आप कहेंगे पागलपन की बात है कोई पागल कह रहा हो पागलपन की बात नहीं समझने की बात है गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना गुरु शिष्य को भेज रहे हैं किसके लिए भोजन सामग्री लाने के लिए वो भी कैसा भोजन उत्तम भोजन स्वादिष्ट भोजन पहली बात ये समझना होगा उत्तम और स्वादिष्ट भोजन किसे कहा जाता है क्या है हम मानते हैं मेवा मिष्ठान उत्तम स्वादिष्ट भोजन है लेकिन मेवा मिष्ठान उत्तम स्वादिष्ट भोजन नहीं है मिल जाए तो खा लीजिए लेकिन उसके लिए मन में कोई लोभ नहीं होना चाहिए लेकिन सदा ध्यान रखो कभी कुछ खाने को मेवा मिल जाए मिठाई मिल जाए जिसमें अधिक घी आदि तेल मिल जाए तो उसमें जितना बन सके कम से कम खाओ यदि स्वस्थ होकर जीना चाहते हो तो भोजन जितना सात्विक होगा सुपाच्य होगा संतुलित होगा उतना ही शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा जिसे सस्ता भोजन कहा जाता है वो सस्ता भोजन ही उत्तम भोजन होता है और जिसे महंगा भोजन कहा जाता है वह भोजन खाने में तो बढ़िया लगेगा लेकिन स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है और सच बात तो यह है भूख लगने पर कड़ी भूख लगने पर जो खाने को मिल जाए वो उत्तम भोजन है और भूख न लगी हो खट्टी डकार आ रही हो हलवा पूरी बना देगा ना तो मजा नहीं आएगा मिठाई खिला देगा तो मजा नहीं आएगा कड़ी भूख लगी हो भूख से परेशान हो रहे हो आप उस भूख से परेशान होने में दो दिन की सूखी बासी रोटी मिल जाए ना कहोगे यार ये तो ये तो ये तो अमृत समान मीठी है रोटी अब ऐसे बासी रोटी घर में दे दे तब आपकी पत्नी ने आपको देखो, एक दिन के बासी रोटी दे दे, दे तो, तो थाली में लात मार दोगे कहेगी हम इतना काम करते हैं हम बासी रोटी खाएं वो भी सूखी रोटी लेकिन दो दिन से प्या से भूखे हो तीन दिन से भूखे हो तब सूखी रोटी वो भी बासी रोटी सूखा चना भी मीठा लगेगा तो यह भ्रम नहीं होना चाहिए आदमी को कि जिसे महंगा भोजन कहा जाता है मिठाई तेल घी मेवा मिष्ठान ये उत्तम भोजन है जो जल्दी पच जाए सरलता से पच जाए जिसे खाने के पश्चात शरीर में आलस उत्पन्न न हो वह भोजन उत्तम भोजन होता है यहां बात है ये बाहरी भोजन की बात नहीं है यहाँ है आध्यात्मिक खुराक आदमी को बाहर से सब कुछ मिला हुआ है बढ़िया मकान है आदमी के पास खेत है खलिहान है व्यापार है नौकरी है घर में रुपये पैसे भी काम भरे का है फिर भी आदमी का मन संतुष्ट नहीं है अंदर से आदमी को खाली खाली लगता है लगता है कि मेरा कुछ खो गया है अधूरा अधूरा बाहरी भौतिक विकास की आवश्यकता है लेकिन भौतिक विकास आपको मात्र आराम दे सकता है सुविधा दे सकता है विलास की सामग्री दे सकता है लेकिन भौतिक विकास आपको मानसिक संतोष नहीं दे सकता मानसिक शांति नहीं दे सकता प्रसन्नता नहीं दे सकता कितना भौतिक विकास कर लें कितना भौतिक विकास कर लें मन की जलन मिटेगी नहीं मन की पीड़ा दूर नहीं होगी उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता होती है हमारा जीव हमारे जीवन के दो पहलू हैं हमारे जो शरीर है मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित भौतिक क्षेत्र है तो इस भौतिक शरीर है इस भौतिक शरीर के लिए भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है लेकिन इस शरीर ही जीवन नहीं है इस शरीर के भीतर एक ऐसा भी तत्व है जो शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है वह अध्यात्म का क्षेत्र है उसे हम जीव चेतन आत्मा रूह सोल आदि कहते हैं और उसका ज्ञान नहीं है उसमें स्थित होने के लिए कोई साधना नहीं है कोई प्रयत्न नहीं है भक्ति नहीं है तो कितना भौतिक विकास कर लें कितना भौतिक विकास कर लें आपको तृप्ति नहीं मिलेगी अंदर असंतोष की ज्वाला जलती रहेगी क्या कारण है अच्छे अच्छे कहलाने बड़े संपन्न कहलाने वाले लोग भी उतना ही दुखी है जितना एक गरीब दुखी है क्योंकि उन्होंने एक पक्ष पर ध्यान दिया दूसरा जो पक्ष है अध्यात्म का पक्ष धर्म का पक्ष उसको नज़रअंदाज कर दिया जीवन की पूर्णता भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों विकास में है यहाँ बात आध्यात्मिक खुराक के लिए है मानसिक शांति के लिए है उसके लिए गुरु कहते हैं कि बेटा जाओ आध्यात्मिक खुराक जिससे मन को तृप्ति मिले मन की भूख जिससे दूर हो ऐसी खुराक मांग कर लाओ तब तो कहते हैं पहली नियामत आटा लाना गांव नगर के पास न जाना कूटा पीसा बचाए के चेला झोली भर कर लाना आटा आटा लाना है लेकिन किसी गांव में बस्ती में शहर में नगर में नहीं जाना है कुटा भी ना हो पिसा भी ना हो भोजन के मुख्य सामग्री क्या है आटा या चावल पेट आपका किससे भरेगा या तो भात खाओगे या तो रोटी खाओगे उसी से पेट भरेगा अब बाकी सब्जी आदि तो उसके सहायक हैं लेकिन मुख्य जिससे शरीर में ऊर्जा मिलती है जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कह जाते हैं वो हैं वो किस में मिलेगा चावल से आटा से जैसे अन्य से, से। यहाँ आटा बाहरी आटा की बात नहीं है यहाँ आटा है आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के अनुसार से जीवन का चरित्र बहुत ज्ञान की आवश्यकता हमको है भौतिक ज्ञान चाहिए व्यवहारिक ज्ञान चाहिए चारित्रिक ज्ञान चाहिए और फिर आत्मिक ज्ञान चाहिए भौतिक ज्ञान जिससे हमारा भौतिक विकास होता है और उसका क्षेत्र बहुत है कोई डॉक्टरी करता है कोई इंजीनियरिंग करता है कोई वक़ालत करता है कोई दुकान करता है कोई मजदूरी करता है कोई खेती करता है कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है बहुत सैकड़ों हजारों क्षेत्र उसके हैं भौतिक ज्ञान जिससे भौतिक विकास होता है जीवन का निर्वाह होता है लेकिन पैसा कमाना बहुत आता है आपको व्यवहार करने की कला नहीं है व्यवहार करने का ढंग नहीं है तो आपका व्यवहारिक जीवन सुखी नहीं होगा इसलिए व्यवहारिक ज्ञान भी चाहिए किससे कितना व्यवहार करना है कैसे व्यवहार करना है इसका ज्ञान भी चाहिए और फिर व्यवहार तो बहुत बढ़िया है बहुत मीठी कोमल बात करते हैं कोमल व्यवहार करते हैं लेकिन आचरण में गड़बड़ी है चरित्र में गड़बड़ी है तो भी जीवन में पूर्णता नहीं आएगी चरित्र भी उज्जवल है लेकिन मैं कौन हूं अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है तो मन पूर्ण नहीं हो पाएगा बहुत सारे ज्ञान चाहिए उन सभी ज्ञानों के ऊपर में है आत्मज्ञान इस आत्मज्ञान के अभाव में ही आदमी जगह धर्म के क्षेत्र में जगह जगह भटक रहा है जगह जगह हाथ जोड़ रहा है सिर झुका रहा है और नाक रगड़ रहा है शरीर के लिए हम जैसा हम कर रहे हैं वैसे आत्मा का ज्ञान चाहिए ना? किसके लिए मैं कर रहा हूं अपने लिए हम सब कुछ कर रहे हैं तो अपना कौन है उस स्वरूप का उस चेतन स्वरूप जीत स्वरूप का ज्ञान है या नहीं है वही तो केंद्र में है ना आदमी जो कुछ करता है अपने लिए करता है दूसरे के लिए नहीं करता है आदमी को सबसे प्यारा अपना प्राण अपना आत्मा अपना जीव है उससे प्यारा कुछ नहीं है न पत्नी न पति न पिता न पुत्र न गुरु न शिष्य न भगवान न भगवती कोई नहीं है मैं अपना आपा उसी के लिए सब कुछ धर्म कर्म का काम उसी के लिए कर, अपने के लिए कर रहे हैं कर रहे हैं ना आत्मकल्याण के लिए कर रहे हैं ना लेकिन मैं कौन हूं इसका पता ही नहीं है तो गुरु कहते हैं बेटा जाओ यदि मानसिक खुराक या मानसिक तृप्ति चाहते हो तो आत्मज्ञान प्राप्त करके लाओ और वो जो आत्मज्ञान है उस आत्मज्ञान के अनुसार से जीवन का आचरण चाहिए ज्ञान बहुत ज्यादा है और आचरण का ठिकाना नहीं है चरित्र का ठिकाना ही सदाचार है ही नहीं सदाचार के अभाव में चरित्र के अभाव में सारा ज्ञान निरर्थक है भटकने का भटकाने का अहंकार का कारण बनता है आदमी को ज्ञानी होने की आवश्यकता है लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ चरित्रवान सदाचारी होने की आवश्यकता है ज्ञान की उपयोगिता आचरण में है इसलिए सदुर कबीर साहब ने कहा है जस कथनी करनी जस चुंबक तथ ज्ञान आदमी की जैसी कथनी होती है वैसी जब करनी होती है तब ज्ञान चुंबकीय हो जाता है आकर्षक हो जाता है वह ज्ञान लोगों के लिए अधिक प्रेरणादायक होता है और केवल ज्ञान है केवल ज्ञान है आतरण कुछ भी नहीं है तो लोग ये समझेंगे कि ये ज्ञान केवल कहने सुनने के लिए है मनोरंजन के लिए है समय पाठ करने के लिए है आत्मकल्याण के लिए नहीं प्रेरणा नहीं मिलेगी और कितना बड़ा ज्ञान हो जाए जब तक चरित्र आचरण शुद्ध नहीं होगा मन शांत नहीं हो सकता है मन में पुनः संतोष भाव आ ही नहीं सकता है अंदर खाली खाली लगेगा कि मेरा कुछ खो गया है ज्ञान भले कम हो जानकारी भले कम हो लेकिन आचरण में कमी नहीं होनी चाहिए आचरण में कमी है तो सब कुछ गलत हो जाएगा ज्ञान भी है और आचरण भी है तो कह सकते हैं सोने में सुहागा सोने में सुगंध कह सकते हैं आप दोनों का आ सकता है सही ज्ञान हो और सही आचरण हो तब मन अंदर से निर्भय होगा निश्चिंत होगा और पूरी प्रसन्नता का तृप्ति का अनुभव हो सकेगा दोनों में से किसी एक का अभाव है ज्ञान अधूरापना है तो मन में अधूरापन लगेगा आचरण अधूरापना है तो मन भीतर से उदास उदास रहेगा लेकिन ये सही ज्ञान और आचरण की छोटी कहां पर से प्राप्त होना है गांव नगर से नहीं होगा ये संतों की संगत में होगा सत्संग में होगा संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनी सूरज भजन संतों की संगति के बिना न तो आत्मज्ञान हो सकता है न जीवन जीने की कला प्राप्त हो सकती है कहीं के भी हो सच्चे संत की संगत चाहिए इसलिए गुरु कहते हैं बेटा जाओ ज्ञान प्राप्त करके आओ सच्चा ज्ञान सीख करके आओ लेकिन ज्ञान के साथ साथ विनम्रता चाहिए और जब विनम्रता होगी तो ज्ञान आचरण में उतरेगा ज्ञान तो सीखा ज्ञान तो प्राप्त किया विनम्रता नहीं आई अहंकार आ गया तो आचरण का ठिकाना नहीं रह जाएगा जो चरित्रवान होगा और ज्ञानवान होगा वो विनम्र जरूर होगा और दोनों में कमी है या तो ज्ञान में कमी है तो अहंकार होगा आचरण में कमी है तो अहंकार होगा और अहंकार का मतलब है केवल पतन का कारण अहंकार का मतलब है दुख अहंकार जितना ज़्यादा होगा उतने हमारे मन को ठेस लगती चली जाएगी दुख कहाँ से आता है ये अहंकार के कारण जिसके मन में अहंकार नहीं होगा वो आदमी कभी दुखी होगा ही नहीं किसी बात को ले किसी बात को लेकर के दुख है तो समझना या तो ज्ञान में कमी है या फिर अहंकार की बढ़ोतरी है ज्ञान में कमी होगी तो अहंकार बढ़ेगा ज्ञान बढ़ेगा तो अहंकार घटेगा ज्ञान का अर्थ है अहंकार का विसर्जन ज्ञान का अर्थ है विनम्रता विद्या ददाति विनियम ज्ञानी होने का लक्षण है विनम्र होना और ज्ञानी विनम्र है तो चरित्रांत तो हो गई होगा मन में कोई दुख रहेगा ही नहीं इसलिए गुरु कहते हैं बेटा जाओ सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करके आओ और साथ साथ सुंदर आचरण की सीख लेकर के आओ ये दोनों किसी गांव में नगर में नहीं मिलना है मिलना है संतों की संगति में सत्संग में मिलना है इसलिए आदमी को जीवन निर्वाह का काम करते हुए अधिक से अधिक समय जितना बन सके संतों के बीच जाकर के सत्संग करते रहने की आवश्यकता है दूसरी नियामत जल भर लाना कुआं बावली के पास न जाना नदी नाला बचाए के चेला हंडी तुम्बा भर कर लाना भोजन बनाना है तो पानी की आवश्यकता है जल की आवश्यकता है लेकिन गुरु कहते हैं जल तो ला तुम्बा भर करके, न कुआ बावली के पास जाना है न ना नदी नाला के पास जाना है न तालाब सरोवर में जाना है कहीं नहीं जाना है तो कहाँ से मिलेगा यहाँ जल वो जल नहीं है जो से हम नहाते हैं जिसे भोजन बनाते हैं और पीते हैं यहाँ जल का अर्थ है निर्णय वाणी विवेक पूर्ण वाणी शास्त्र अनेक हैं गुरु अनेक हैं महात्मा अनेक हैं परंपरा अनेक हैं अपनी अपनी बातें सब कह रहे हैं और सबको ये दावा है कि हमारा ज्ञान ही सच्चा हमारा ज्ञान ही सच्चा हमारे ज्ञान से मुक्ति मिलेगी हमारी किताब से मुक्ति मिलेगी और कह रहे हैं कि हमारी बात सोलहों आनी सच लेकिन गुरु कहते हैं बेटा किसी की बात को आंख मुद कर मारो निर्णय चाहिए बिना निर्णय के बिना कारण कार्य व्यवस्था के ज्ञान के सही बोध भ्रांति नहीं हो सकती भ्रांति कटेगी नहीं अनेक प्रकार भ्रांति अनेक प्रकार के भ्रांतियां हैं लोगों के मन में आदमी जन्म से छोटा बड़ा होता है ये भी भ्रम है अमुक अमुक जाति छोटी होती है अमुक जाति बड़ी होती है ये भी भ्रम है अमुक लोग नीचे अमुक लोग ऊंचे जन्म से ये भ्रम है भ्रांति तो है क्यों निर्णय नहीं है हमने मान लिया कल्पना एक एक हमने कल्पना कर लिया कि अमुक जाति अमुक जाति अमुक जाति और उसे आदमी को जोड़ लिया निर्णय वचन ये कहता है प्रकृति के नियम ये कहता है कि जन्म से कोई आदमी छोटा नहीं होता है जन्म से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है न ऊंचे होता है न न नीच होता है न अछूत होता है न पवित्र होता है जन्म से मानव मात्र एक समान है जिसके कर्म जैसा हो वो छोटा वो कर्म से आदमी छोटा बड़ा होता है कर्म गलत है आदमी छोटा है कर्म उज्जवल है तो आदमी बड़ा है जाति का महत्व नहीं है कर्म का महत्व है भ्रांति है आदमी के दिमाग में कि आदमी जन्म से छोटा जन्म से बड़ा जाति छोटी बड़ी जाति छोटी बड़ी नहीं होती जाति ही कल्पना है जाति समय से कभी चलाई गई थी काम का बंटवारा लेकर के लेकिन आज जातिवाद को लेकर के कि कितना कितना बवंडर मच रहा है आप सब अच्छी तरह जानते हैं इसलिए किसी आदमी का मूल्यांकन जाति के आधार पर ना करो उसके गुण उसके कर्म उसके आचरण का आधार पर करो कोई ब्राह्मण है किसी ब्राह्मण कहने वाले घर में पैदा हुआ है लेकिन शराबी है दुराचारी है व्यभिचारी है बेईमान है उस पर विश्वास करोगे या जिसे आप चमार कहते हैं लेकिन वो बड़ा सदाचारी है ईमानदार है चरित्रवान है उस पर विश्वास करो विश्वास किस पर करोगे ब्राह्मण पर जो भले उस जिसे आप चमार कहते हो वहां पैदा हुआ है लेकिन ईमानदार है सदाचारी है चरित्रवान है चरायण है विश्वास पर करोगे तो बड़ा कौन हुआ कर्म या जाति जाति बड़ी नहीं होती कर्म बड़ा होता है कहानी देख लो कहानी सब जानते हैं आप हर गांव में ज़्यादा नहीं तो एक दो तीन हनुमान के मंदिर जरूर मिलना हर गांव में घरों में लो लोग बोलते हैं हनुमान जी कहाँ पैदा हुए थे आदिवासी परिवार में जंगली जंगल जाति में पैदा हुए थे और घर घर पूजनी हनुमान जी रावण ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था कितने कितने घर में रावण का फोटो है हाथ उठाओ तो जरा तो, तो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था ना हनुमान जंगली जाति में आदिवासी परिवार में पैदा हुआ है जैसा कि बाल्मीकि अनुसार से लेकिन उसकी पूजा होती क्यों आचरण कर्म सेवा परायणता ईमानदारी से और रावण के चरित्र में गड़बड़ी आ गई थी रावण पूजा नहीं होती तो पहली भ्रांति यह है कि आदमी जन्म से ऊंचा होता जन्म से नीच होता छह हजार छोटी बड़ी हुई भ्रांत मनुष्य मात्र एक है फिर तो भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन दिशा सूर टोना टोटका तंत्र मंत्र पता नहीं कितने कितने भ्रांत ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है ग्रंथों में कि पढ़ पढ़ करके आदमी का दिमाग खराब हो जाता है इसलिए कहते हैं गुरु बेटा जाओ निर्णय वाणी लेकर के आओ सही का निर्णय मानी कारण कार्य की व्यवस्था जहाँ पर हो जो बात कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो तत्वों के धर्म तत्वों के जो गुणधर्म उसके अनुकूल हो विश्व का जो नियम है उसके अनुकूल हो तर्क सम्मत हो विवेक सम्मत हो वह बात सबके लिए कल्याणकारी होती चाहे हमारे मत की हो चाहे पराय की मत की हो इसलिए पक्षपात नहीं करना है सत्य जहाँ से मिल जाए वो हमारा है निर्णय जहाँ से मिल जाए वो हमारा है आँख मूंद कर किसी की बात को मत मानो और आँख मूंद कर किसी की बात को मत छोड़ो विचारो निर्णय करो कि तर्क क्या कहता है विवेक क्या कहता है निर्णय क्या कर, विज्ञान क्या कहता है ये विचार लो लिखा है मत मान लो गोस्वामी जी ने लिख दिया है तो मानस में अयोध्या में जब राम लक्ष्मण आदि पैदा हुए चारों भाई तो उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था सूरज उगे उधर से और उगते जब चलते 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 जब अयोध्या के बाद पहुँचे वहाँ की गहमा गहमी सुंदरता देखे तो सूरज रुक गए क्योंकि सूर्यकुल में पैदा हुए थे राम कहे ये तो ये तो मेरे कुल में है मेरे कुल में भगवान पैदा हुए हैं तो वहाँ सुंदरता देख देखने के लिए सूरज रुक गए कब तक रुक गए एक महीना के लिए मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोय रथ समेत रवि क्यों निशा कौन विधि हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मास दिवस का दिवस एक महीने का दिन हो गया लेकिन मरम कोई नहीं लेकिन गोस्वामी जी जाने जरूर तभी लिखे हैं वाल्मीकि नहीं जान पाए थे इसलिए वाल्मीकि ने नहीं लिखा है गोस्वामी जी जान गए तब लिख दिए कि माँ दिवस का दिवस भा मरा में जाने कोई गोस्वामी जी कहते हैं कि ये एक महीने का दिन हुआ और सूरत थक गए तो रात कहाँ से होगी एक महीने दिन हो गया गोस्वामी जी से पूछना चाहिए महाराज एक महीने का दिन हो गया गिनों कैसे जब रात होगी दिन होगी तब एक दिन दो दिन तीन दिन, दिन गिनोगे ना बिना रात हुई तो आपको पता कैसे चला कि एक महीना हो गया गिनती कैसे करोगे कि महीना भर हो गया ये दिन होगी रात होगी सप्ताह होगा तब तो पता चलेगा भाई एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, वहां तो वहां तो दिन हो ही नहीं रहा है वहां तो वहां तो रात हो ही नहीं रही है गिनती कैसे करा कि एक महीना हो गया घड़ी बदलती होगी जो तारीख बदलती रही होगी ना चौबीस घंटा में ये झूठ है भले गोस्वामी जी ने लिखा है ये निर्णय का वचन नहीं है निर्णय वचन यह कहता है सूरज रुक ही नहीं सकता है और सूरज सूरज चलता भी कहाँ है चलती तो पृथ्वी है तो बात यह है निर्णय वचन जो विवेकवान संत हैं उनके पास जाने से पता चलेगा कि कौन बात निर्णय की है कौन बात कहानी है कौन बात रूपक है कौन बात महिमा की है पाप काटने के लिए अनेक उपाय बता दिए गए हैं उनमें आदमी भ्रम में पड़ जाता है भ्रम में नहीं पड़ना है पाप से बचना चाहते हैं तो पाप करना ही बंद कर दें जो कर्म कर लिया गया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा कोई काट नहीं सकता है न किसी का आशीर्वाद काम करेगा न किसी का श्राप काम करेगा आ, हमारे जो अच्छे कर्म हैं उज्जवल कर्म हमारे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं और हमारे जो बुरे कर्म हैं हमारे जो पाप कर्म हैं हमारे लिए श्राप बन जाते हैं किसी का दिल दुखाओगे तो बुरा कर्म पाप है वो शराब बनेगा है। किसी की सेवा करोगे अच्छे कर्म है अपने आशीर्वाद बन जाएगा तो इस कहानी चक्कर में नहीं पढ़ना है निर्णय वचन निर्णय क्या कह रहा है और निर्णय वचन कहाँ मिलेगा कुआबारी में नहीं मिलेगा निर्णय वचन निर्णय वचन तो मिलना है संतों की संगति में पढ़ो जितना पढ़ तो उतना पढ़ो लेकिन विचारो इले कबीर साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सुबह सुभाए सार सारे थोथा दे उड़ाए सार सार ग्रहण करना है सार वचन जो वो हमारा है सार शब्द निर्णय को नामा जाते हो जीव को कामा जो निर्णय वचन है वो सार शब्द है उसी से कल्याण बनेगा होगा उसी से भ्रांति कटेगी भ्रांति आदमी के दिमाग को चालती रहती चालती रहती है अनेक प्रकार भ्रांति अनेक प्रकार की भ्रांति एक व्यक्ति का बेटा जवान बेटा मर गया कहते हैं हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है किसी किसी कुछ हो गया हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है कुछ हो जाता है आदमी कुछ कर देता है किसी की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया किसी की भैंस मर गई किसी भैंस का बच्चा मर गया गाय का बच्चा मर गया किसी घर में कोई बीमार पड़ गया किसी घर में किसी जवान की मौत हो गई तो कहते हैं भैया भूत बदल गया है प्रेत लग गया है किसी ने घर में कुछ कर दिया है और किसी घर में चोरी हो गई तब नहीं कही भैया भूत ने चोरी किया होगा पुलिस में रिपोर्ट करने जाओगे भ्रम न को न को तंत्र न मंत्र न भूत न प्रेत न कुछ नहीं है लेकिन भ्रांति क्यों आप निर्णय वचन को पढ़ते नहीं है निर्णय वचन को मनन करते नहीं है यदि आप कबीर वाणी पढ़ लें जो भी व्यक्ति कबीर वाणी पढ़े चाहे वो कैरपंथी हो या ना हो कबीर वाणी को यदि पढ़ लेगा तो भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन तंत्र मंत्र दिशा शकुन अपशकुन ये सारे सारे भ्रम अपने आप कट जाएंगे लेकिन कैरपंथी कहला करके भी वाणी नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी बैगा के पास जा रहे हैं किसी तंत्री के पास जा रहे हैं किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं किसी बाबा के पास जा रहे हैं कहीं कहीं पत्थर पूज रहे हैं नाम हर के करपंथी हैं जैसे महंत जी कह रहे थे ना कभी जी कह रहे थे कभी रहा कभी नहीं रहा महात्मा लोग आए करपंथी गा गा साधु लोग आ गए तो कैरपंथी बन के वो लोग चले गए तो कभी रहा अब वो फिर भी से चला गया इससे काम नहीं बनने वाला है आप जितना भ्रांति में पड़ोगे उतना ठगाओगे मन से दुर्बल रहोगे शरीर से दुर्बल रहोगे और हर जगह ठगाते चले जाओगे ठगाना नहीं है यदि ठगाना बंद करना है तो निर्णय वचन को आदर दो और निर्णय वचन संतों की संगति में मिलना है इसलिए हर, हर हर समय ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो और विवेकवान जो संत हैं उनकी संगति करते रहो तीसरी नियामत कलियाँ लाना जीव जंतु के पास न जाना जिंदा मुर्दा बचाए के चेला हंडी भर कर लाना गुरु कहते हैं बेटा जाओ कलियां लाओ रजुगुनी प्रवृत्ति का आदमी तामसी प्रवृत्ति का आदमी मानता है कि मांस उत्तम भोजन है कलिया का अर्थ बताया मैंने पकाए हुए रजेदार मांस को कलिया कहा जाता है और आदमी के दिमाग में ये बात घुस गई है बहुत लोगों के कि मांस में ज़्यादा विटामिन प्रोटीन होता है मांस में अधिक ताकत मिलता है कोई मांस मांस में ताकत है तो कोई मानता हरी हा, आदमी जो मांस खाता है रोज़ आधा किलो मांस खाता है घोड़े सांस कुश्ती करके देख ले, क्यों हैं? देख ले कौन जीते घोड़ा जीतेगा आदमी जीतेगा घोड़ा तो कभी मांस नहीं खाता भ्रम है आदमी का उसी भ्रम का से यहां कहा गया है अब आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं ऐसे ऐसे हैं आदमी का दिमाग कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ मुड़ जाता है दो साल पहले मैं नागपुर से उसी नागपुर जिले में एक जगह जा रहा था गाड़ी से बैठ करके तो एक छोटा कस्बा था वहां से चौराहा गाड़ी गुजर तो लिखा हुआ था शाकाहारी अंडा और लिखा था वैष्णवी अंडा अंडा भी वैष्णवी होता है और आप जानते हैं एक सांसद है नाम नहीं सब पढ़े लिखे हैं, जा, जानते हो और कहते हैं कहते हैं आयुर्वेदिक मुर्गी मुर्गी भी आयुर्वेदिक होती है लेकिन होती है कैसे कैसे भरम आदमी के दिमाग में अब कुछ दिन पचात ना शाकाहारी मांस आने वाला होगा जब 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 मुर्गी आयुर्वेदिक हो गई है अंडा वो बैष बैतन, जब वैष्णवी हो गया तो शाकाहारी मांस भी बन जाएगा आदमी के मन में भ्रम है कि मांस में अधिक विटामिन प्रोटीन होता है यहां से आप कहते हैं बेटा कलिया तो लाओ लेकिन किसी जिंदा के पास नहीं जाना है किसी मुर्दा के पास नहीं जाना है किसी जीव जंतु के पास नहीं जाना है तो कहां से मिलेगा फिर ये जो कलिया है ये कि किसी का मांस नहीं है कबीर साहब का पूरा संदेश शाकाहार के लिए है जस मास पशु की तस मास नर की रुधि रुधि सारा जी पशु की मांस भके सब कोई नर ही भके आरा जी कहते हैं मांस मछरिया तय पे खैया जो खेतन में बोइया जी साहब घोर खंडन करते हैं मांसाहार का तो यहाँ भला मांस की बात कहते कर सकते हैं लेकिन वो रूपक दे रहे हैं यहाँ मांस का मतलब है दुनिया राग रंग से मरा हुआ मन जब तक मन राग रंग में डूबा रहेगा किसी विषय में आसक्त रहेगा कोई आदत में डूबा रहेगा मन उतना कमजोर होगा जिसके मन में लोभ नहीं है मोह नहीं है राग रंग की भावना नहीं है विषयों की आसक्ति नहीं है कोई आदत नहीं है वो भीतर से उतना मजबूत हो जाएगा जितनी आदत जितनी आसक्ति कोई लोभ है किसी चीज़ के लिए लोभ है तो आप जितनी मात्रा में लोग उतने मात्रा में कमजोर उतने मात्रा में आप गलत पाप करोगे उतने मात्रा में आप पाप करोगे परोगे तो यहां मन है राग रंग दुनियादारी प्रपंच छल कपट विषय वासना आद, आदत इनसे मरा हुआ मन ये मानो मांस है अनासक्त मन निष्काम मन निर्मोह मन चिंता क्यों होती है लोभ के कामना कारण कामना के कारण भय क्यों होता है मोह के कारण दुखी क्यों होता है आदमी इच्छाओं के कारण इनको छोड़ दो इच्छा कामना तृष्णा से मन को बचा को खाली कर दो निर्भय जब पास में कुछ है ही नहीं अपना कहीं मोह लगा ही नहीं है आसक्ति है ही नहीं तो डर किसका कमजोरी की इस बात के लिए कोई गलत आदत है ही नहीं तो जगह जगह गिड़गड़ाओगे क्यों भीख क्यों मांगोगे और जितनी गलत आदत है उतनी भीख मांगना शुरू हो जाएगा अनासक्त मन मन मरने का मतलब यह नहीं कि मन से काम लेना बंद हो जाएगा जब तक जीवन है तब तक मन से काम लेना पड़ेगा लेकिन ज्ञानी और ज्ञानी दोनों के पास मन है लेकिन अंतर है अज्ञानी का मन दिन दिन भर सुबह से शाम चौबीसों घंटा भटकता रहता है ये नहीं मिला वो नहीं मिला ये चीज़ वो चीज़ वो पता नहीं क्या क्या सोचता रह जाता है इसलिए परेशान ज्ञानी का मन ज्ञानी भी मन से काम लेता है लेकिन ज्ञानी का मन भटकता नहीं है ज्ञानी गलत बात नहीं सोचता ज्ञानी प्रपंच की बात नहीं सोचता ज्ञानी राग द्वेष की बात नहीं सोचता ज्ञानी निंदा चुगली की बात नहीं सोचता इसलिए ज्ञानी का मन एकदम शांत रहता है और उसके पास जाकर के हमें प्रेरणा मिलती है एक बल मिलता है लेकिन मन को राग रंग से हटाएं कैसे मन में जो गलत आदतें हैं वहां से तो मन को हटाएं कैसे प्रपंच से मन को हटाएं कैसे इसकी सीख कहां से मिलेगी सत्संग में बातें कुल मिलाकर सत्संग ही आएगी संतों की संगति में बैराग्यमान के संग बिन हो नहीं बैराग ज्ञानी के संग से ही ज्ञान मिलेगा निष्कामी के संग से ही निष्कामता की सीख मिलेगी दुनिया में रहना है परिवार में रहना समाज में रहना है कहाँ जाएंगे लेकिन इनके बीच रहते हुए प्रपंच से तो बचकर रहें राग रंग की जो भावना है इससे तो बच कर रहे रहें कला कल्पना की जो भावना है लड़ाई झगड़ा राग द्वेश की जो भावना इससे तो बच कर रहे रहें जितना मन से आप राग द्वेश का त्याग करोगे लड़ाई झगड़े का त्याग करोगे ईर्षा द्वेश का त्याग करोगे ईर्षा का घृणा का त्याग करोगे उतना आपका मन बलवान होगा उतना मन भीतर से शांत होगा संतुष्ट होगा और कैसे त्याग होगा इनका इसके लिए चाहिए संतों की संगति सत्संग इसलिए गुरु कहते हैं बेटा जाओ संतों के पास वहां से ऐसी सीख ले के आओ मन को ऐसा म, कि मन निष्काम बन जाए निर्मोह अनासक्त बन जाए राग द्वेष से छल कपट से रहित बह जाए मन बस बेड़ा पार हो जाएगा जीते जी मुक्ति का आनंद जीते जी परमानंद का आनंद मिल जाएगा चौथी नियामत लकड़ी लाना झाड़ जंगल के पास न जाना गीला सूखा बचाए के चेला गठरी बांध कर लाना भोजन पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है बिन, बिना आग के भोजन पकेगा नहीं तो यहाँ लकड़ी कहते हैं लकड़ी लाओ लेकिन वो लकड़ी कौन थी लकड़ी गिली भी ना हो सूखी भी ना हो किसी झाड़ जंगल से पेड़ पौधे से मिली हुई लकड़ी ना हो तो मिलेगी कहाँ से थी लकड़ी ये भी भी भीतर की बात है ये लकड़ी है वैराग्य त्याग भाव सब कुछ करें खाएं स्वाद की आसक्ति छोड़ करके काम करें फल की आकांक्षा छोड़ करके सेवा करें फल की आकांक्षा छोड़ करके मतलब निष्काम भाव अनासक्तिभाव यहां पर काम तो करना पड़ेगा बिना काम किए तो जीवन चलेगा नहीं लेकिन त्याग भाव से जितना त्याग भाव रहेगा उतना जीवन में आनंद रहेगा और त्याग का मतलब बैराग्य का मतलब केवल घर छोड़ना नहीं है वैराग्य का मतलब कपड़ा बदलना नहीं है बैराग का मतलब है राग का त्याग भोजन करना है राग पूर्वक भोजन करोगे तो ज्यादा खा लोगे गलत चीज़ खा लोगे और कल जीने के लिए खाओगे तब उतना खाओगे जितना खाने की आवश्यकता शरीर को आवश्यकता जितने से शरीर चल जाएगा फिर सात्विक खाओगे सुबपाच खाओगे संतुलित खाओगे ऐसे करो घर में आपको रहना है घर में ही रह करके गाली ग्लाउस का त्याग करो मारपीट का त्याग करो हिंसा हत्या का त्याग करो चोरी चुगली का त्याग करो प्राय बहु बेटी में कुदृष्टि करने का त्याग करो जुआ शराब आदि का त्याग करो अंडा मांस आदि का त्याग कर दो बीड़ी जितना भी बीड़ी गुटका तब ये सब का त्याग करो जितना त्याग करते जाओगे उतना जीवन ऊपर उठता चला जाएगा त्याग का मतलब छोड़ देते हैं लोग खा, खाली घर छोड़ने त्याग नहीं है जिन जिन कर्मों से जिस रहन से जिस खान पान से जिस चिंतन से जिस व्यवहार से जिस संबंध से जिस जगह से मन में खुराफात उत्पन्न होता हो मन में दुख उत्पन्न होता हो मन चंचल उत्पन्न हो मन में चंचलता तो उत्पन्न होती हो ऐसी संगति ऐसी जगह ऐसे खान पान ऐसे देखना ऐसे सुनना सब का त्याग करते जाओ इसे ये बैराग है बैराग मतलब है राग का त्याग जो चिपकाहट है आशा, एक आकर्षण है मन में देख देख कर मन में जो लुभाने की आदत है इस लुभाने की आदत का त्याग ज्ञान का जो कुछ हम जान रहे हैं उस सब की सार्थकता त्याग भाव में है गुरुदेव जी ने लिखा है जगह जितने धर्म के नाम पर जितने भी साधनाएं हैं पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण कथा कीर्तन आदि उन सब में वैराग्य सिर मुकुट है तो बैराग्य से मैंने कहा जहां जहां से दुख उत्पन्न होता हो वो संगति वो खान पान वो रहन सहन वो चिंतन और व्यवहार का त्याग इतना करते चले जाएंगे तो अंदर संतोष बढ़ता चला जाएगा तब इसी जीवन में पूर्ण आनंद जैसे भोजन हम करते हैं ना भोजन कर लिए पेट भर गया छक गया तृप्त हो गया मन अब भोजन करते गए लेकिन तृप्ति नहीं मिली पेट नहीं भरा तो भोजन करने का मतलब क्या होता है भोजन करने का मतलब है भूख का दूर हो जाना भोजन करने का मतलब है पेट भर जाना तृप्त हो जाना संतुष्ट हो जाना ऐसे ही जीवन भर हम जो कुछ भी कर रहे हैं चाहे धर्म के नाम पर हो चाहे पूजा पाठ नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं सब का फल होना चाहिए मन का तृप्त हो जाना जीवन से जाते समय संसार से जाते समय मन में कोई पश्चाताप ना हो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया अभी ये करना बाकी रह गया दुख मन में है तो जीवन को सहन से जिया नहीं गया सब कुछ हमारा करना बेकार हो गया चाहे गृहस्थी में रहें चाहे विरक्ति में रहें इस ढंग से जीवन जीना है कि हर समय मन में संतोष हो मन मन की जो जलन है वह मन की जलन मिटी हुई हो भीतर शांत शीतलता प्रसन्नता ये स्वादिष्ट भोजन है इसी से तो मन भरेगा तो सही सही आत्मज्ञान चाहिए सदाचार चाहिए निर्णय वचन चाहिए और अनासक्त मन चाहिए और निष्कामता चाहिए बैराग की आग इतना जब होता रहेगा तो भीतर का मन की जो उदासी है मन की जो भूख है जो तृष्णा है समाप्त हो कर के हर समय तृप्त तृप्त हर समय तृप्ति का अनुभव होगा तृप्ति ही मन के मन का संतोष ही जीवन का अंतिम फल है संतोष नहीं है संतो संतोष भी शायद सदर कहा ने कहा है संतो संतोष सुख है रहो हृदय है ऐ संतो संतोष में सुख है आत्म संतोष आत्म तृप्त यही आकर के मन शीतल होगा जो कुछ हम करते हैं ये भीतर की जो आग है तृष्णा की आग दुख की आग पीड़ा की आग घृणा की आग ईर्षा की आग इस आग का बुझ करके मन का शीतल शांत तृप्त तो हो जाना ये हमारे जीवन की सार्थकता जीवन सफलता है इसी के लिए को यहाँ कहा गया है स्वादिष्ट भोजन जिससे मन की भूख दूर हो करके के मन तृप्त हो जाए इसके लिए हमें संतों के पास गुरुजनों के पास जाना है और जा के आत्मज्ञान प्राप्त करके, करके सही दिशा में चलते हुए सेवा करते हुए निष्काम अनासक्त होकर के इस जीवन कल्याण पद को प्राप्त करना है सदरु संतों का कबीर का यही संदेश है हम लोगों के लिए हम इसी रातम चलने की आवश्यकता है अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ